अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसब खान, आपका होस्ट। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निक्टो की। निक्टो एक वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जो कि वेब सर्वर की मिसकॉन्फ़िगरेशन और वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। ओपन सोर्स है, CLI बेस्ड है और ईजी टू यूज़ है। काली लिनक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आता है, बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आता है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं सिंटेक्स, ठीक है। पहले हम डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, ओके। और NIKTO डैश एच हेल्प मेन्यू में देख लेते हैं कुछ इसकी कमांड्स, ताकि हम अपनी कमांड्स को सही तरह एग्जीक्यूट कर सकें। सबसे पहले हमें चाहिए टारगेट URL, तो उसके लिए हम चलेंगे यूज़ करेंगे होस्ट। उसके साथ ही साथ अगर हम यूज़ करना चाहें कुछ पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए, हम डैश पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस फाइल में कोई आउटपुट लेना चाहें हम निक्टो का, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डैश आउटपुट। ये तीन वो चीज़ें जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम निक्टो को यूज़ करते हैं, तीन वो कमांड्स हैं। एक बार हम यूज़ कर लेते हैं इसको, निक्टो को हमने कॉपी कर लिया अपना। टारगेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बी बॉक्स। अगर आपने शायद ये पहले यूज़ किया हो तो NIKTO डैश होस्ट में आके हमने, अच्छा एक चीज़ और, जब आप फुल URL देते हैं तो आप पोर्ट्स स्पेसिफाई नहीं कर सकते, डैश PAT। एक बार हम पोर्ट्स देख लेते हैं साथ ही साथ में एन मैप के ज़रिए, सॉरी यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग जाएगी कि कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो हम निक्टो में वो पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट FTP 2021, SSH, SMTP, HTTP। एक बार खाली हम पोर्ट 80 और बाकी कहाँ पे HTTP प्रॉक्सी, HTTP एसॉल्ट 8443 एंड 8080, ये तीन पोर्ट हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। 8080, 8443 डैश आउटपुट, और यहाँ पे हमने अपना आउटपुट फाइल का नाम दे दिया Nikto.txt। अब यहाँ पे रन करेगा इस टारगेट के ऊपर और साथ में तीन पोर्ट्स को चेक करेगा अब वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। एक बार इसको वाइट कर देते हैं और हिट इंटर कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसने अपनी स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है, टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे ये जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं वो सब हमें फाइंड करके दे देगा, जैसे कि HTTP वर्ब्स की कोई इशू होते हैं, कोई मेथड यहाँ पे इनेबल है, डायरेक्टरी लिस्टिंग अगर कहीं पर है, अगर कहीं पर बाय डिफ़ॉल्ट फाइल इंस्टॉल हुई हुई हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ से मिल जाती हैं। अपाची के आउटडेटेड सर्विस जो चल रही है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि निक्टो से हम काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें यहाँ से हमें मिल जाती हैं। लेकिन निक्टो का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉल्स होता है, गलत होता है, जिसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि जो आउटपुट यहाँ से मिल रहा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। बट काफ़ी टाइम यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि कुछ फाइल हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल हैं यहाँ पे रखी हुई हैं, और भी फाइल देख लेते हैं। PHP माय एडमिन या डिफ़ॉल्ट या किसी और तरह का कोई एडमिन पैनल आपको मिलता है तो वो आपको शो कर देगा। डायरेक्टरीज मुख्तलिफ हैं जो आपको यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लोज डोमेन है, और साइट मैप पूरा का पूरा वेबसाइट का अगर कहीं पे फाइंड करेगा तो आपको शो कर देगा। साथ ही साथ में वर्डप्रेस स्कैन भी आपको यहाँ पे रन करके दे देगा, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ पोर्ट पे रन कर रहा है, नीचे एक बार देख लेते हैं और वेट करते हैं कि ये अपनी स्कैनिंग को डन करें। ऊपर अपाची सर्विस चल रही थी, इस पोर्ट के ऊपर कोई और सर्विस चल रही है, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन हेडर इज़ नॉट डिफाइंड, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। PHP के वर्जन जो कि बहुत इंफॉर्मेशन यूज़फुल होते हैं, इंफॉर्मेशन के वक्त हम चाहें तो हम डायरेक्ट एक्सप्लॉइट फाइंड कर सकते हैं, अगर इस वर्जन का कोई एक्सप्लॉइट मार्केट में अवेलेबल है तो। PHP माई एडमिन, अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा के चेक करें, डिफ़ॉल्ट सर्विस को ऐसी चल रही है जहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल की तरह एंटर हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत काम आता है और काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर टूल्स, काफ़ी फास्ट आउटपुट देता है बाकी टूल्स के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे खाली एक पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं तो अब तक हमें सारा आउटपुट मिल चुका होता, क्योंकि हमने यहाँ पे मुख्तलिफ पोर्ट्स स्पेसिफाई किए हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वेट कर लेते हैं टाइम कितना लेगा,
और साथ ही साथ में हम जो हमने चीज़ें ऊपर आइडेंटिफाई करी हैं उन्हें एक बार रन करके देख लेते हैं। अब ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ डेफ टू के बारे में, ये क्या होती है और हमें किस तरह इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाएँ और पुरानी वीडियोज़ के अंदर अब वो कम्प्लीट ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस डोमेन डॉट XML और साथ ही साथ में आप आगे एक डिस्क्रिप्शन देता है कि ये फ़ाइल क्या काम करती है और एक रेफरेंस दे देता है क्रॉस डोमेन डॉट XML, ठीक है। और इसके अलावा क्या फ़ाइल है, अपाची 2.2.8 अपीयर्स टू बी आउटडेटेड, एक आउटडेटेड वर्जन चल रहा है। करंट वर्जन जो है वो अपाची 2.4.37 है, ठीक है। यहाँ पे हमें PHP का वर्जन मिल गया, ओपन SSL का वर्जन यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे HTTP verbs के मेथड यहाँ पे बता दिए कौन कौन से मेथड इनेबल हैं कौन कौन से डिसेबल हैं। सर्वर स्टेटस, ये फाइल बहुत काम की होती है, अगर इसका एक्सेस आपको कहीं पे मिल जाए तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ से मिल सकती है, एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ही काम की फ़ाइल है, अगर आपको नहीं पता है क्या होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं फिर इसको अपने टू डू लिस्ट में ऐड करूँ, ओके। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त हमने फाइंड करी हैं, कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल अक्सर आपको फाइंड करके यहाँ से मिल जाती है। PHP माई एडमिन हम पहले देख चुके हैं, आइकॉन्स रीड मी आइकॉन्स PHP माई एडमिन, ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले। इसके अलावा वर्डप्रेस की कुछ चीज़ें इसने आइडेंटिफाई करके दी हैं, एक बार ये देख लेते हैं। काफ़ी बार इस तरह होता है कि निक्टो के पास से जो हमें आउटपुट मिलता है वो फॉल्स पॉजिटिव होता है, तो 100% किसी एक टूल पर रिलाय करना वो सही चीज़ नहीं है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आउटपुट ये दे रहा है वो सही नहीं है। अब यहाँ पे PHP बैकडोर फाइल मैनेजर वॉज फाउंड, ऐसा नहीं है यहाँ पे, आई डोंट थिंक यहाँ पे इस तरह की कोई डायरेक्टरी भी एग्जिस्ट करती है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फॉल्स पॉजिटिव मिल गया, बस मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि जितना अच्छा आउटपुट इसका मिलता है उतना ही फॉल्स पॉजिटिव का चांस भी यहाँ पर रहता है। SSL info, ठीक है, और यहाँ पे WordPress, ठीक है, ये फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव, ये भी फॉल्स पॉजिटिव में आ गया। काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें अच्छी आइडेंटिफाई करके दी निक्टो ने, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉल्स पॉजिटिव निकाल कर दी, जैसे कि WordPress की डायरेक्टरी हो गई। इसी तरह 100% किसी एक टूल पर रिलाई करना अच्छी बात नहीं है, बट काफ़ी अच्छा टूल अगर आप चाहें तो इसको अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग या किसी और एक्टिविटी के दौरान इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।